as an actor, not as a director. So finally we get to work together and I'm glad and thank you. I hope aap logon ko comedy achhi lagegi. This is a comedy film and I'm coming in comedy after long. Thank you. मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ. मैं राइटर हूँ, गुजराती लिटरेचर में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ. और जब मैं मुंबई आती हूँ फिल्म फेस्टिवल्स के लिए तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है. करण जी ऐसे ही मिले थे और मुझे उनकी कहानियाँ पहले से भी सुनाई थी, कुछ शॉर्ट फिल्म सुनाई थी. लेकिन जो बागपत का दूल्हा की कहानी है उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जिससे मैं कनेक्ट फील करती हूँ. मुझे लगता है कहानी में एवरीथिंग, लाइक हम जिसको बोलते हैं कि एक फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पसंद आएगी. और इसमें काफ़ी सारे ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे फीचर्स पे काम किया गया है जिसको मैं काफ़ी सालों से चेज कर रही हूँ. कहानी में लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया है, कहानी में लव स्टोरी के ऊपर काम है, दो फैमिलीज के बीच का ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक छोटे से शहर की कहानी भी है और किसी बड़े शहर वालों को भी कनेक्ट कर सकती है, ऐसी कहानी है. अच्छा, मूवी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मूवीज़ बहुत सारी अपन जब देखते हैं मोस्टली मूवी में क्या होता है, एक लव स्टोरी होती है या फिर कोई एक्शन से भरपूर मूवी होती है. ये मूवी की कहानी मतलब प्लॉट जब सुनाया तब पता चला कि मूवी में लव स्टोरी है, कॉमेडी है और जो ट्विस्ट उन्होंने सुनाया मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी. मुझे सुन के ही तो कॉमेडी भी है, ड्रामा ही है, मतलब एक फुल एंटरटेनमेंट मूवी. तो फिर मैंने झट से हाँ बोल दिया कि मैं करूँगा. जी हाँ, शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, शूटिंग स्टार्ट नहीं. हाँ जी हाँ सर, अभी हम लोग जो वर्कशॉप कर रहे हैं क्योंकि मैं गुजरात से सूरत से बिलोंग करता हूँ तो मेरी लैंग्वेज जो गुजराती है उस मूवी पे स्पेशली लैंग्वेज जो बागपत जो जगह है यूपी की वहाँ की लैंग्वेज को ज़्यादा टारगेट किया हुआ है कि जो बातें जो बोलने में ही कॉमेडी लगती है तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्कशॉप चल रहे हैं. तो उसमें भी इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल एंटरटेनमेंट. तो जो जो चीज़ें बोलने में ही इतना मज़ा दे रही है वो मूवी ज़्यादा अच्छी कॉमेडी बन के ही निकलेगी. तो अब तक तो सब सही जा रहा है. तो मैंने म्यूज़िक वीडियोस किए हुए हैं और पंजाबी वीडियो किया हुआ है, यूट्यूब के लिए भी काम किया हुआ है पहले. और मैं खुद एक फिटनेस, मेरा खुद का एक फिटनेस इंस्टीट्यूट है सूरत में, तो मैं फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ. और गुजरात में मेरा यही काम है कि मैं 8-9 साल से सिर्फ लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा हूँ. और इस फिल्म में और भी कास्ट हैं, दमदार कास्ट हैं, उनके बारे में बताइए कि कैसा जी. रज़ा मुराद है जी, अमिता जी, अमिता नागिया और दमदार, ये दो तो नाम है, रज़ा मुराद और अमिता नागिया. पुनीत वशिष्ठ, हाँ जी पुनीत जी, पुनीत वशिष्ठ. सोशल मैसेज ऐसे तो नहीं, हाँ लेकिन सोशल मैसेज अगर निकालना चाहे तो निकल सकता है, बट ऐसा कोई सोशल मैसेज नहीं है. एंटरटेनर फिल्म, एंटरटेनिंग कहानी, एक ऐसे दो परिवारों की कहानी है जो आपस में लड़ते हैं. ऐसी कहानी है जिसमें कोई नहीं चाहता कि एक शादी हो, लेकिन वो शादी हो रही है और वो शादी होगी या नहीं होगी ये कहानी है. बड़ा एंटरटेनिंग और थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट, डेफिनेटली लोग कनेक्ट करेंगे और अच्छा लगेगा. करण सर, इस तरह की कहानी पहले देख चुके हैं सीरियल में कि लव वगैरह है, आगे शादी करेंगे, ऐसी कहानी है? नहीं, ये ऐसी नहीं है. ये ऐसी कहानी नहीं है जिसमें दूल्हा उठ जाएगा या यहाँ लड़का लड़की मिल रहे हैं वो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी ये शादी नहीं होगी. फैमिलीज मिल रही है, डिसाइड कर रही है कि शादी नहीं होगी. वो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है ये फिल्म में डेफिनेटली हम लोग फिल्म में बताएंगे. अभी पूरा पहली फिल्म अलग ही विषय था, अलग ही जैसे हर फिल्म में एक रंग हमेशा होता है. हर फिल्म के अंदर 9 रस आपको देखने को मिलते हैं, उसमें रोमांस भी होगा, उसमें कॉमेडी भी होगी. मैं अपने आप को कोई फिक्स जोनर का डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता. मैं हर जोनर में काम करना चाहता हूँ. मैं कॉमेडी पे भी काम करना चाहता हूँ, मैं हॉरर पे भी करना चाहता हूँ, मैं सीरियस मतलब मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और हर तरह के सब्जेक्ट को उठाकर उन पर काम करना चाहता हूँ. तो उसी शूटिंग की बात करें, शूटिंग हो रही है जी, नहीं होगी कहीं और भी? बागपत हो रही है इसकी शूटिंग बागपत हो रही है, मेरठ में हो रही है, इलाहाबाद हो रही है, मेघालय हो रही है और मुंबई में हो रही है. गानों की बात करें, आज 4 गाने, कैसे कैसे गाने हैं? आज की यंग जनरेशन को टारगेट करते हुए गाने हैं. कुछ गाने ऐसे हैं जो 90s में बजते थे. आपने अगर उसमें आप देख रहे होंगे जहाँ जो पोस्टर लगा है उसमें एक टीवी है और वो टीवी बहुत पुराना है.
तो हम उस हीरा की वो थोड़ा सा उस समय की बात कर रहे हैं जहाँ पे चैनल झटके से बदले जाते थे रिमोट से, वहाँ जहाँ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, मोबाइल था जहाँ इनकमिंग के रेट्स लगा करते थे, तो उस समय की कहानी है। सो कैमरा में भैया ओके, ये कॉमेडी फिल्म है एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट टाइप का रोल है, जैसे कि करण जी ने कहा एक एग्रेसिव मदर विद कॉमेडी इन इट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग आई एम श्योर ये फिल्म ज़रूर देखेंगे और बहुत अच्छी बनाई जाएगी। और आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है और मुझे लगता है वी शुड मेक लाइट फिल्म्स जो लोग सिनेमा में जाके रोए मत और हंस के आए एंड इन अ लाइट मूड। कॉमेडी में भी कई पहलू होते हैं, एक लिमिटेशंस में होता है, एक मैसेज देता है और कई बार लिमिटेशन क्रॉस भी होता है, क्या कहना चाहेंगे कॉमेडी का किस तरह से लिमिटेशन होना चाहिए? कॉमेडी शुड बी वेरी नाइस एंड पीपल शुड लाफ ओवर देयर, नॉट लाइक कॉमेडी शुड नॉट बी चीप फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इट शुड नॉट हैव एनी डबल मीनिंग्स, दैट्स व्हाट आई थिंक। सी आई एम एन एक्ट्रेस और मैं चाहे किसी बड़े हीरो के साथ काम करूँ या फ्रेशर के साथ काम करूँ, इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद ऑल दी एक्टर्स। I am playing the villain, but it is no villain kind of a thing. It is the entire base of the movie is comedy, and you know I am also behind the same girl what the hero is linked up with, and I am all prepared to get into a new accent and a new pure comic film. You know, it is not going to be a cheap comic film, but it is all pure. And Karan is extremely passionate about his projects, and his passion is going to travel on to all of us, and we are going to put our everything into the movie. So this is going to be a very pure comedy where people are really going to enjoy. What do you say about the comedy content on television or in the comedy? See, all different kinds of comedy happening, but you know, I think this is a ek pura ek jo baagpat hai, ek pura ek gaon ka character hai, wahan par ye sare characters bhare hue hain, ek lingo hai, ek language hai. तो एक कंपैरिजन तो मेरे को कुछ भी होगी, लेकिन ये अलग से कुछ निकल कर आने वाला है जो मैं करण का जो मैंने कन्विक्शन देखा है फिल्म के प्रति, एंड आई वाज लाइक नो जस्ट विलिंग टू उसका सेकंड ड्राफ्ट आउट अभी थर्ड ड्राफ्ट आउट होगा स्क्रिप्ट का, सो आई एम गोना रीड इट एंड व्हाट एवर ही टोल्ड मी लिटिल बिट नो अबाउट द फिल्म, इट्स अमेजिंग, वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो हमारी पूरी फैमिली जाने वाली है वहाँ बागपत में, जाकर एक प्रोडक्ट निकाल कर यहाँ मेन स्ट्रीम में हम लोग डाल देने वाले हैं ना, श्योर द काइंड ऑफ पैशन दैट इज इन्वॉल्व इज गोना द रिजल्ट्स आर गोना बी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। एंड करण इज अ वेरी क्रिएटिव डायरेक्टर, व्हाट एवर आई हैव सीन ऑफ हिज फिल्म्स एंड वेरी वेरी क्रिएटिव and a very different kind of concepts he gets. I'm sorry, carry on. Haan ji, kya kya? I said you carry on. No, extremely talented, passionate, yes. He's an actor too. So, you know, he ek director, yes. actor ko ek alag level par samajhta hai. I can say sorry, but main मतलब इन लोगों को कैरेक्टर के लिए कौन सा, हमने कहानी तो लिख दी लेकिन वो कैरेक्टर में कौन सा बंदा परफेक्ट है कास्ट के लिए, वो जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं करण जी, तो मुझे ये उनका जो पैशन है ना वही मतलब कुछ अलग ही लग रहा है कि खाली एक मूवी को दिखाना है, बनाना है और ख़त्म कर देना है, ऐसा नहीं है, उन्होंने एक एक चीज़ पे बहुत मेहनत की है और वो अपनी जो भी प्रोजेक्ट बना दो अपना सारा कुछ डाल देता है। तो बागपत इज सो चार्ज, यू नो, एंड सो या दैट एज आई सेड द पैशन इज गोइंग टू ट्रैवल टू अस एंड वी गोना पुट इन एवरीथिंग।